हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो ये आपकी क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग का थर्ड चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, सो आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर का मेन एम यही है कि एक तो रिप्रोडक्शन होती क्या है, प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं। तो ये करते क्यों हैं रिप्रोडक्शन, तो हम लाइक दैट इज अ सेकेंड क्वेश्चन कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। पहले ये चीज है कि ये करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, वाई। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर रीड किया। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में वी हैव डन न्यूट्रिशन किया, रेस्पिरेशन किया, सर्कुलेटरी सिस्टम किया, एक्सक्रीशन किया, ठीक है। वो ऐसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस थे जिनके बिना इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव, हम उसके बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता। सो पर क्या रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन क्या नेसेसरी है कि इंसान अपने लाइफ को लाइक लाइफ प्रोसेसेस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो, दैट इज रिक्वायर्ड। देन वाई? अगर इंडिविजुअल अपने से, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट हो गया कि अगर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने जैसी कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, अपनी तरह के कॉपीज को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना उस चीज को, ठीक है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाना। तो अगर हम लोग अपने जैसे इंडिविजुअल्स को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अगर इतनी एनर्जी स्पेंड हो रही है और वो लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट भी नहीं है, असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नहीं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है बट दैट असेंशियल लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, देन व्हाई, व्हाई इट इज डन, व्हाई इज इट नेसेसरी? देन थर्ड इज कि अपनी एनर्जी इस प्रोसेस में वेस्ट करना और ना ही वो जिंदा रहने के लिए चाहिए, इज इट सम, क्या वो समझदारी है, क्या वो करना चाहिए, और करते हैं तो क्यों करते हैं भाई, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया की बात हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपने जैसे बायोलॉजिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तो दैट इज यू ऑल नो, इसमें कुछ नया नहीं है। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है और कॉन्टिन्यूटी लाइफ है, ठीक है, वो उसके लिए खुद की लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, पर अपनी कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस धरती पे वो जरूरी है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर एक इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल है, सिंगल है, उसको कोई नहीं पूछता। अगर वो उसके जैसे बहुत सारे हैं ना, तभी उसके बारे में लोग बात करते हैं। अगर ह्यूमन एक ही होता तो कौन पूछता, अगर बहुत सारे हैं देन ओनली वी आर टॉकिंग ना। सो ऑर्गेनिज्म इसीलिए बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करता है अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर कुछ ईयर्स तक रिप्रोडक्शन सब ऑर्गेनिजम्स छोड़ देना तो धरती से सब कुछ खत्म हो जाएगा, नोबडी, लाइक धरती ही नहीं रहेगी। अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ही नहीं रहेंगे तो अर्थ विल नॉट बी देयर, राइट। सो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, इसलिए सब ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी को स्पेंड करते हैं। सो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देन डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस
क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, तो पहले तो वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं कि नहीं बनाते, और अगर बनाते भी हैं तो कैसे बनाते हैं। सो आप लोगों ने डीएनए, डीएनए सब लोगों ने 9th में मे भी सुनी होगी एक टर्म, इसकी फुल फॉर्म थी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक सेल होता है, सेल सेल सबकी बॉडीज में होते हैं, ठीक है। तो सेल जो होता है इसके अंदर क्रोमोजोम होता है, क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, क्रोमोज न्यूक्लियस, सॉरी सेल, ये सेल हो गया, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, CHR रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, दिस क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए, डीएनए डीएनए के फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है बॉडी में, एक किस्म से उसका ब्लू प्रिंट लगा लो, हमारी बॉडी डिजाइन का पूरा ब्लू प्रिंट लगा लो, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, हु इज द कैरियर, डीएनए, दैट डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने में ये हेल्प करता है। अगर प्रोटीन इंफॉर्मेशन सपोज इससे कॉपी करने में गड़बड़ कर दी, ठीक है, इसने कॉपी करने में गड़बड़ कर दी तो डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म कर देगा, डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म कर देगा तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी, तभी हम एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा की तरह नहीं दिखते ना, कि ना ही हम पूरी अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं, ना ही हम पूरे अपने पापा की तरह दिख रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है ना। सो वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, वो वेरिएशन कहाँ से आ रही है, वो डीएनए प्रोवाइड कर रहा है। डीएनए ने क्या किया, उसने कुछ गलती कर दी, उसने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी होगी, उसने अपनी जो कॉपी करने में, जो इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आगे पहुंचाना था, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन क्या है, चेंज हो गया, बॉडी डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, हमारी कुछ आंखों का कलर चेंज हो सकता है, लाइक सम डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करने वाले, बट यहाँ पे मोटी मोटी बात यही है कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, और डीएनए जो है बेसिकली वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता, थोड़ी बहुत वेरिएशन वो कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कि इसीलिए एग्जैक्ट कॉपीज ऑर्गेनिजम्स क्रिएट नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें जैसे इस पे मैंने दिखाया, इसमें ये डायग्राम यू कैन सी, दिस इज अ सेल, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे निकाल लिया, यू कैन सी दिस इज अ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ये ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, आगे फर्दर क्लासेस में इसकी डिटेल में हम एक्सप्लेन पूरे अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। सो डीएनए इस तरह से, अगर इसको बाहर खोल के देखा जाए तो वो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, सो जिसको, जो हमारा इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरी करता है। तो हर हर रिप्रोड्यूसिंग सेल्स दो डीएनए की कॉपी बनाता है, कुछ सेलुलर अपरेटस भी बनाता है, जिसके कारण कुछ वेरिएशंस, अगर वो कुछ गड़बड़ कर देता है कॉपी करने में, तो कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण हम ओरिजिनल पेरेंट्स जो हमारे, अगर ओरिजिनल कॉपीज हो गई, अगर हम उनकी उनकी कॉपीज हैं, वो ओरिजिनल स्पीशीज है, अगर हम उनकी कॉपीज हैं, तो हमारे में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, जस्ट बिकॉज डीएनए ने कॉपी करने में थोड़ी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अगर छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं देन इट्स ओके, पर अगर लार्ज वेरिएशन होती है तो मे बी इट इज पॉसिबल कि जो न्यू बॉर्न सेल्स होते हैं वो सर्वाइव ना कर सकें, वो डाई कर जाते हैं, इसलिए वेरिएशन माइल्ड होती हैं ताकि सेल्स सर्वाइव कर सकें। तो जैसे वेरिएशन हुई, जैसे पहले बोला जाता है ना कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, लाइक हमारे हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे, एप्स थे, सो दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ कैसे धीरे 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 वेरिएशन होती चली गई, और एवोल्यूशन की हेल्प से, ठीक है, वेरिएशन की हेल्प से एवोल्यूशन हो गया और हम ह्यूमंस बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि इस तरह से ये डीएनए है, डीएनए ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म करता है, ऐसे हमारा पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। सो अब इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की, वेरिएशन होती ही क्यों है, हम सेम क्यों नहीं दिखते, ठीक है, वो तो हमें पता लग गया कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देता है, पर क्या अगर सेम होता तो क्या हो जाता, अगर सेम क्यों नहीं है, वेरिएशन होनी क्यों चाहिए। सो इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसमें क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो इसका रीजन यहाँ पे ये है
कि अगर कंसिस्टेंट डीएनए रहेगा ठीक है, तो वो बॉडी डिजाइन सेम रहेगा। सपोज आप सोचिए कि आप एग्जैक्ट हैं, सेम ही रह रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही रह रहा है, तो उसमें क्या होगा? अगर कुछ भी चेंज होता है, सपोज कोई हैबिटेट, कोई जहाँ पे आप रह रहे हो उसमें कुछ भी जरा सा भी चेंज आया, जरा सा भी कोई भी रीजन के कारण, टेम्परेचर में, वाटर लेवल में, या मेटियोराइट हिट कर गया अर्थ पे, कुछ भी चेंज आ गया, तो हमारा जो निश है, निश मतलब जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, अगर उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन हो गई, तो जो भी पॉपुलेशन थी, जो एग्जैक्ट कॉपीज थी, वो उस निश में सर्वाइव करने के लिए रेडी नहीं रहेंगी, क्योंकि वो तो जिसके लिए बनी हुई थी वो उसी के लिए ही सर्वाइव कर सकती हैं। अगर कुछ चेंज आया तो हम लोग क्या होगा, मर जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेरिएशन की बहुत ज़रूरत रहती है। जो लोग वेरिएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्या होता है, वो उस एनवायरनमेंट में मतलब सेट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉर दिस एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आप अपने आप से नहीं, चलो हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं ठीक है। एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन दी गई ठीक है, वो टेम्परेट वाटर्स में रह रहे थे, टेम्परेट मतलब ठंडा ठीक है, वाटर टेम्परेचर उसमें अगर ऑल्टर हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये नॉर्मल बैक्टीरिया थे ब्लू कलर के ठीक है, और ये बीच में कुछ कुछ पिंक कलर के छोटे छोटे से वेरिएंट्स लगा लो ठीक है, जो हीट को रेजिस्ट कर पा रहे थे। ये सारे के सारे तो ठंडे पानी में, ज्यादा वाले देखो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मल बैक्टीरिया के, बट कुछ कुछ वेरिएंट्स थे जो हीट को रेजिस्ट कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही विद ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे है ना, एनवायरमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, गर्मी हो गई, तो क्या होगा, यू कैन सी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे, जो ब्लू वाले थे सब वाइप्ड ऑफ हो गए, मर गए, बचे कौन, ये पिंक वाले, जो वेरिएशन को एक्सेप्ट करके चेंज किया था, जिन्होंने रेजिस्टेंट हो चुके थे हीट को लेकर, वो सर्वाइव करके फर्दर ग्रो कर गए। इसीलिए वेरिएशन बहुत यूजफुल है और किसी भी स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए विद टाइम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई, और वेरिएशन जो आती है डीएनए में वो किस तरह से आती है, और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, आई होप दिस इज क्लियर विद यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।